नमस्कार मित्रों, माँ भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन 11 लोगों के कारण हमारा देश सोने की चिड़िया से मिट्टी की चिड़िया बन गई। बचपन से हम और आप सुनते आए हैं कि भारत किसी ज़माने में सोने की चिड़िया हुआ करता था। हमारे पास इतना पैसा होता था कि हम 2-4 देशों को तो यूँ ही खरीदने की औकात रखते थे। वह तो विदेशों से आए कुछ क्रूर आक्रमणकारियों की बुरी नज़र हमारे देश पर पड़ गई और उन्होंने हमें कंगाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बावजूद इसके किसी शायर के शब्दों में कहा जाए तो कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों राह है दुश्मन दौर है जहाँ हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी वो गुलिस्तान हमारा। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसे क्रूर लुटेरों की जिन्होंने न सिर्फ भारत पर आक्रमण किया बल्कि जमकर लूटा भी। हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है संगेज खान का। जी हाँ दोस्तों, संगेज खान एक मंगोल शासक था। इसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। संगेज खान ने अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिम भारत के काबुल, कंदार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इस समय संगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। हालांकि वह अपने साथ भारत की कई बेशकीमती चीज़ें लूट कर ले जाने में कामयाब रहा। नंबर 2 पे आता है उलागू खान। उलागू खान संगेज खान की तरह एक मंगोल शासक था। वह अपने बर्बरता तथा साम्राज्य विस्तार के लिए कुख्यात रहा। भारत सहित संपूर्ण रसिया, एशिया और अरब देश उलागू खान के नाम से ही कांपते थे। वह पश्चिम भारत से ही कई राज्यों में अधिकार करने में सफल रहा। इस क्रूर मंगोल योद्धा ने अपने हमलों से इस कदर लूटपाट और खून खराबा किया कि भारत की एक बड़ी आबादी का सफाया हो गया था। मुसलमानों के लिए तो उलागू खान कहर का दूसरा नाम था। नंबर 3 पर आता है तैमूर लंग। अभी हाल ही में बॉलीवुड फिल्म अभिनेता सैफ अली खान और उनकी बेगम के लड़के का नाम जब तैमूर रखा गया तो हंगामा सा मच गया और इस फिल्मी जोड़ी को सफाई देनी पड़ी। ये वही तैमूर लंग था जो दूसरा संगेज खान बनना चाहता था। वह लंगड़ा था इसलिए तैमूर लंग कहलाता था। तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह अपने साथ मंगोलों की फौज लेकर आया था। दिल्ली में वह 15 दिन रहा और उसने इस बड़े शहर में तबाही मचा दी। ढेरों लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। जब तक वह वापस गया तब तक दिल्ली मुर्दों का शहर बन चुका था। इस दौरान उसने दिल्ली में जमकर लूटपाट की। इसी के साथ तुगलकों का शासन भी खत्म हो गया था। नंबर 4 पर आता है नादिर शाह। नादिर शाह ईरान का शासक था। उसने भारत पर आक्रमण कर कई तरह की लूटपाट की। 1739 में दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को हराने के बाद उसने कोई नूर हीरे जैसी संपत्ति लूट ली। नादिर शाह ने मुगलों का सारा खजाना खाली कर दिया। इस खजाना में इसको करोड़ों की नकदी के अलावा हीरे जवाहरात, सोने चांदी की कीमती वस्तुएं भी मिली। वह 1000 हाथी, 7000 घोड़े, 10000 ऊंट आदि भी अपने साथ ले जाने में कामयाब रहा था। नंबर 5 पर आता है अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का बेटा था। उसने अपने पिता की तरह भारत पर कई बार आक्रमण किया और लूटपाट करके खूब सारा पैसा हासिल किया। 1757 में उसने पहली बार दिल्ली पर आक्रमण कर लूटपाट की। इसके बाद उसका लालच बढ़ गया था। बाद में उसने आगरा और बल्लभगढ़ पर भी आक्रमण किया। बल्लभगढ़ में उसने जाटों को हराया और आसपास के क्षेत्रों में जमकर लूटपाट की। नंबर 6 पर आता है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। अपने 9वें आक्रमण में उसने मथुरा के पास पहावन से अपार मात्रा में सोना चांदी, हीरा और 80 हाथी लूटे। वही 15 आक्रमण में उसने गुजरात को भी लगभग खाली ही कर दिया था। इससे भी जब उसका पेट नहीं भरा तो उसने 16वां आक्रमण सोमनाथ पर किया, जहां से वह खूब सारा सोना लूट कर ले गया। 17वां आक्रमण में उसने सिंधु और मुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों को पराजित किया और काठियावाड़ के सोमनाथ मंदिर से भी अपार संपत्ति लेकर भाग निकला। नंबर 7 पर आता है महमूद गोरी। गजनवी के बाद महमूद गोरी ने भारत पर आक्रमण कर जमकर लूटपाट मचाई। गोरी गजनी और हेरात के मध्य स्थित छोटे से पहाड़ी प्रदेश गौर का शासक था। उसने गुजरात और पंजाब के कई क्षेत्रों पर आक्रमण किए और वहां के सारे खजाने को लूटने में कामयाब रहा। अपनी बुरी नीयत के साथ वह दिल्ली की ओर भी आगे बढ़ा, लेकिन पृथ्वीराज के हाथों उसको अपने मुंह की खानी पड़ी। हालांकि जयसिंह की मदद से वह अंततः पृथ्वीराज को हराने में कामयाब हो गया था, लेकिन पृथ्वीराज के हाथों बच न सका और मारा गया। नंबर 8 पर आता है महमूद बिन कासिम। महमूद बिन कासिम ने 8वीं सदी की शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया था। 17 साल की उम्र में उसने सिंध और मुल्तान पर आक्रमण किया था। वह बेहद क्रूर आक्रमणकारी था। उसने न केवल कत्लेआम मचाया बल्कि जमकर लूटपाट की। हालांकि 22 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कासिम को मुल्तान नगर से इतना धन मिला कि उसने इसे स्वर्ण नगर नाम दिया।
इसने देबल में मंदिरों की भी लूट की थी। नंबर 9 पर आता है सिकंदर। सिकंदर दुनिया पर अधिकार करने के उद्देश्य से सभी देशों को पराजित करता हुआ भारत पहुंचा था। यहां पहुंचकर जब उसे यहां की संपन्नता का पता चला तो उसने लूटने के उद्देश्य से भारत के भीतर तक आक्रमण किए। धीरे धीरे वह भारत के कई भागों में अधिकार करने में कामयाब रहा। वह जहां भी गया वहां का खजाना खाली करता गया। बाद में चाणक्य ने जब हारे हुए भारतीयों में नव चेतना का संचार किया तब उसे उल्टे पांव वापस जाना पड़ा था। नंबर 10 पर है बाबर। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक लुटेरा था। उसने उत्तर भारत में कई लूट को अंजाम दिया। बाबर ने क्रूरतापूर्वक हिंदुओं का नरसंहार ही नहीं किया बल्कि अनेक हिंदू मंदिरों को भी नष्ट किया। प्रचलित जनश्रुतियों के अनुसार बाबर की आज्ञा से मीर बाकी ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्मित प्रसिद्ध मंदिर को नष्ट कर मस्जिद बनवाई, जिस पर आज तक विवाद चल रहा है। इसी भांति ग्वालियर के निकट उर्वा में अनेक जैन मंदिरों को नष्ट किया। उसने संदेरी के प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिरों को भी नष्ट करवा दिया था जो आज बस खंडर है। नंबर 11 पर है औरंगजेब। औरंगजेब ने भी भारत को जमकर लूटने का काम किया। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया। इस पर जब कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर से मदद मांगी और तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इस दिन तो सिख आज भी अपने त्योहारों में याद करते हैं। तो ये थे कुछ विदेशी आक्रमणकारी तो कुछ क्रूर शासक जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार भारत को लूटा और बर्बाद किया। निश्चित रूप से उस समय के लोगों ने इन क्रूर लोगों से लड़ने की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई होगी, वरना क्या मजा जो ये हमारे यहाँ से एक सुई भी अपने साथ ले जाने में सफल हो पाते। आप क्या कहना चाहते? अपने विचार अवश्य कमेंट बॉक्स में दें।